व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कभी कभी क्या होता है, आपके सस्पेंशन की ऑयल लीक होके आपकी डिस्क पर आ जाती है, या आपने गलती से अपने डिस्क पे ल्यूब स्प्रे कर दिया है। देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी ऑन हाउ टू रिपेयर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। अगर आप जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए और वहाँ आपकी ब्रेक्स कम काम करती है या उन पे ऑयल लग जाता है, तो आपको क्या करना है? आसपास जो वेट मड होती है वो आप लेके अपनी डिस्क पे रब कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी ऑयल निकल जाएगी और बाद में सिंपल से व्हील को घुमा के ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप होते हैं घर पर और वो सेम प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी डिस्क पर सोपी सॉल्यूशन स्प्रे कर देना है और ध्यान रखें कि आपके हब को वो ना लगे। स्प्रे करने के बाद आपको टायर घुमा के ब्रेक लगानी है और थोड़ा सा फिर से स्प्रे कर देना है। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर सोपी सॉल्यूशन? आपको एक बॉटल में पानी भर देना है, उसके बाद आप कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं या फिर शैम्पू भी इसमें डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद आपको एक ऐसा स्प्रे लगेगा जो कि आपको 15 टू 20 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। और थोड़ा सा शेक करने के बाद आपका सोपी सॉल्यूशन रेडी है। अगर आपकी ब्रेक थोड़ी सी लूज हो गई है और वो आपको थोड़ी सी टाइट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी जो डिस्क होती है उसके पास जो कैलिपर होता है उस पे जो बैरल एडजस्टर लगा होता है, उसे आप थोड़ा लूज कर सकते हैं। और अगर डिस्क की रबिंग आती है उसमें और आवाज आता है, तो आप उसे टाइट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी ब्रेक बहुत लूज हो जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको 5mm की एलन की लेनी है और ये जो नट होता है उसे थोड़ा लूज कर लेना है। लूज करने के बाद जो वायर होती है उसे थोड़ा टाइट कर लेना है और फिर से नट को टाइट कर लेना है। इससे आपकी ब्रेक टाइट हो जाएगी। अगर ब्रेक को टाइट करने के बाद वो एक ही साइड से टाइट हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक 5mm की एलन की ले लेनी है जो आपको सेपरेटली 20 टू 30 रुपीज में मिल जाएगी, और आपको कैलिपर के दोनों नट्स लूज कर लेने हैं। नट्स को लूज करने के बाद आपको ऐसे दो कार्ड्स ले लेने हैं और उन्हें ब्रेक पैड के बीच में डाल लेना है। इन कार्ड्स को डालने के बाद आपको कैलिपर के जो दो नट्स आपने लूज किए थे उन्हें फिर से टाइट कर लेना है। नट्स को टाइट करने के बाद जब आप उन कार्ड्स को निकाल रहे होते हैं, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कार्ड्स इतने ही टाइटली आए। और एक तरीका है आपके कैलिपर को सेंट्रल लाइन करने का, और वो है कि आपको फिर से वही 5mm की एलन की ले लेनी है और ब्रेक्स को प्रेस करके आपको जो कैलिपर के नट्स होते हैं उन्हें लूज कर लेना है। नट्स को लूज करने के बाद आपको कैलिपर को थोड़ा शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आपको वो नट्स फिर से टाइट कर लेने हैं। तो ये थे टेम्पररी वे, और एक वीडियो आएगा जो होगा परमानेंट वे पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन।